friends, welcome to learning quantity surveying and estimation with AutoCAD and Excel. So far humne total foundation, column neck, brickwork, stairs, walls, slabs and procedure for find out the material, ये सभी chapters हमने discuss कर लिए है. और आपने अगर किसी भी chapter को miss किया है, so please आप वो chapter review कर सकते हो. अभी हम नेक्स्ट जो क्रिएट करने नेक्स्ट जो देखने के लिए जा रहे हैं वो है मटेरियल स्टेटमेंट इन एक्सेल. कि पिछले वीडियो में हमने प्रोसीजर तो देख लिया कि किस तरीके से हम कंक्रीट में सीमेंट की, सैंड की और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम प्लास्टर में सीमेंट की और सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से हम मोर्टार की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन वो सभी क्वांटिटीज हमने पर्टिकुलर एक 10 मीटर क्यूब के लिए ही अप्लाई की थी. अभी वो सब क्वांटिटीज एक्चुअल जो हमारी क्वांटिटी आ रही है उसमें किस तरीके से अप्लाई करना है विद द एक्सेल, विद द प्रॉपर रेशियो, विद द प्रॉपर क्वांटिटी, तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. तो वी विल सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मटेरियल स्टेटमेंट इन एक्सेल. आफ्टर दैट वी विल कवर रेट एनालिसिस एंड बिल ऑफ क्वांटिटी एंड बार पेंडिंग शेड्यूल इन द एक्सेल. बार पेंडिंग शेड्यूल के लिए मैंने ऑलरेडी एक बेसिक चैप्टर्स और बेसिक्स ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है. सो वो आप पहले रिफर करोगे फिर ये चैप्टर रिफर करोगे तो आपको सब इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल से स्टार्ट करूंगा बार पेंडिंग शेड्यूल. सो मेक श्योर बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर यू विल बी सी द बार पेंडिंग शेड्यूल प्लेलिस्ट and you will be able to understand each and every concepts in that playlist, and then you will be come at here. So now we will in the next video we will see the material statement in the Excel. So yahan par maine ek simple Excel mein ek statement create kiya hai, material statement. Ye serial number hai, description of an item, then quantity, then ratio, cement, sand, coarse aggregate, then cement in terms of bag, sand in terms of cubic meter, coarse aggregate in terms of cubic meter, bricks in terms of number, marbles in terms of square meter, uski quantity find out hogi, phir skirting running meter, tiles and paint square meter. So ye simple ek format hai ki jo aap manually bhi create kar sakte ho. So simply ye maine format create kiya hai. Ab yahan par hum list of the items add karenge और उसकी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे और वन बाय वन हम उसकी क्वांटिटी यहां पर फाइंड आउट करेंगे.